ठीक है तो स्टार्ट कर लो। हाँ तो क्यूसी फायर का टूल ओपन करना है आपको यहाँ पे। हाँ ठीक है, यस करो। तो यहाँ पे टूल ओपन होने के बाद फाइल लोड करनी है, उसके बाद उसको फ्लैश कर दो। पाइन ग्लोबल मतलब? हाँ पाइन ग्लोबल मतलब पाइन जो है रेडमी 7A का मॉडल नेम है। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट वगैरह भी दे दिया इसकी सारे मॉडल की। तो इसमें देखो यहाँ पे रेडमी 7A लिख के तो नहीं आता ना, हमें उसके पार्ट नंबर से जानना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे फाइल रखी है आपकी, तो पाइन ढूंढना है आपको यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। और उसके अंदर आपको कौन सी फाइल ढूंढनी है, कौन सी लगाएंगे, रो प्रोग्राम 0 है ब्लैंक? हाँ वेरी गुड, ऊपर वाली लगानी है। ओके कर लो। ठीक है, पैच 0 भी लोड कर लेना है इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फ्लैश पे स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करना है EDL में, तो कनेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, वहाँ पे कनेक्ट कर लो, मैं यहाँ से केबल इंसर्ट कर लेता हूँ। अच्छे से टच कर लेना, ग्राउंड से टच नहीं कर लेना। हो गया, देखिए कर लिया, टच हुआ। देखिए ठीक है, छोड़ दो, यहाँ पे फोन कनेक्ट हो गया है। और अब देखते हैं इसके अंदर, सेकंड लोगों पे स्टक हो रहा था, तो अब ये फोन जो है तो कहाँ, किसका, स्टूडेंट का ही है ना? जी सर। ठीक है, तो ये सेकंड लोगों पे स्टक हो रहा है। अब उसके बाद हमने इसको फ्लैशिंग में पहले देखेंगे, अगर ये फ्लैशिंग में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। वैसे इसके अंदर कौन सी एमसी है, तो एसके हाइनिक्स के अंदर आपको देख के क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम होगा? 100% है ना, फिर भी देखेंगे, अगर ये फाइल से क्लियर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास फिर इसके बाद सेकेंड वाला भी वे है, यूएमसी निकाल के हम उसको प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट से ही करवाएंगे सारा काम। ठीक है, ये भी एक फ्रेशर स्टूडेंट है, तो आपका नाम बताओ? रोहित राव। कहाँ से आप? मैं जलगांव महाराष्ट्र से। जलगांव महाराष्ट्र, तो ये सब काम कभी आप करे ऐसा फ्लैशिंग वाला? पहली बार कर रहे हो, सही बोल रहे हैं क्या भैया? जी सर। फ्रेशर है ये? ऐसा तो उठा के बीच में ला के खड़े तो नहीं करते ऐसे किसी को? तो ये फ्रेशर है। अब ये आपका आज का कम से कम 3-4 दिन क्लास हो चुका है ना, 3 दिन का फ्लैशिंग हो गया, आपका 2 दिन का EMMC का क्लास चल रहा है। तो इतने दिनों में आपने क्या क्या देखा इसमें, क्लास में क्या क्या सीखने मिला आपको? ये फ्लैशिंग तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ। और EMMC का भी बहुत अच्छे से मालूम हो गया, आज EMMC चेंज वगैरह का सीखने का। तो आज नया क्लास आपका EMMC चेंज वाला बाकी है, लेकिन अभी तक जो कल तक जो क्लास हुआ उसमें अभी तक क्या क्या आपको मजा आया, कितना मजा आया और क्या क्या सीखने मिला? बहुत इजी गया, हार्ड गया? नहीं, बहुत इजी तरीके से। बहुत इजी तरीके से तीनों टाइप के CPU सीखने मिल गए, MediaTek, Qualcomm, Samsung, जितने भी टाइप के CPU है, फ्लैशिंग करने में इजी है। जी बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्थ रिपेयर करना, कैसा रिपेयर करना, बैकअप कैसे लेना, डंप बैकअप कैसे लेना, 1 GB उसके बाद फुल डंप, ये आपको समझ में आ गया कैसे लेना? तो ये आप तो फ्रेशर है, आपको तो बहुत जल्दी समझ में आ गया। तो दूसरे वीडियो जो देखने वाले भाई हमारे जो फ्रेशर है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, मतलब ये सीख सकता है या नहीं सीख सकता? आराम से भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा तो मैं आपको कोई यहाँ पे खड़ा तो नहीं है, रिश्वत देके खड़े तो नहीं है ऐसा बोलने के लिए? ऐसा तो नहीं है? नहीं। आपके दिल से बोल रहे? जी दिल से। आप खुद ये काम कर सकते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते ना। तो ये बताने का तरीका हर का अलग अलग होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से बताना पड़ता है जैसा स्टूडेंट सीखना चाहता है, ना कि अपने तरीके से अगर बता देंगे तो सामने वाले स्टूडेंट के सर पे से चले जाएगा या उसको समझ में नहीं आएगा, हमें उनके हिसाब से भी पढ़ाना पड़ता है, याद रखो, जब उनको समझ में आता है। अगर मैं टेक्निकली अगर लैंग्वेज में बोलूंगा तो ये इनके सर्वे से चला जाएगा, अगर मैं इनको नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा जैसे काम करते घर शॉप पे बैठ के उस तरह से समझाऊंगा तो इनको आराम से क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे सभी का जो स्टूडेंट है यहाँ पे, कितने फ्रेशर थे भाई यहाँ पे आए, जब कितने सारे सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रेशर है, कितने थे? अब कौन यहाँ पे भी फ्रेशर है, जरा हाथ उठाओ, अब कौन फ्रेशर बच गया? अभी कोई भी प्रेशर नहीं है, सब लोग कर सकते हैं आराम से। चलो वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं सिस्टम की फाइल राइट हो रही है और 72% तक हो चुकी है, इसके बाद हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फ्लैशिंग। उसके बाद चेक करेंगे किस कंडीशन में ये फोन है।
नहीं तो अगर ये एमएमसी का निकल जाएगा तो किसी स्टूडेंट से यही हम एमएमसी का काम करवाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये कौन करेंगे भाई? स्टूडेंट ही करेंगे, क्योंकि अब जरूरत है क्या भाई मेरी बताने की वापस से? कल ऑलरेडी एक स्टूडेंट कर रहे थे हेल्थ रिपेयर, है ना? तो वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका, कस्ट फाइल राइट हो रही है, उसके बाद यूजर डाटा होने के बाद आपका फाइनली प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? जब यहाँ पे क्यूसी फिनिशिंग मतलब क्यूसी फ्लैशिंग डन हो जाता है तब जाके आपका यहाँ पे फ्लैशिंग डन हो जाएगा, उसके बाद हम ऑन करेंगे फोन। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा डर भी रहता है फ्लैशिंग के बाद डेड हो जाता है ना? उनको पता नहीं होता कि क्यों डेड हुआ, फाइल की दिक्कत है या टूल सही नहीं था या कुछ वायरसेस की वजह से। तो एक्चुअली नॉलेज नहीं रहने की वजह से उनको डर रहता है कुछ चीज़ का। अगर जब आपको नॉलेज आ जाए तो कोई भी चीज़ का डर है क्या आपको? फ्लैशिंग करने में, ईएमसी प्रोग्रामिंग करने में डर ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है? यूजर डाटा का यहाँ पे राइट हो रहा है फाइनल, और इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हो गया हमारा फ्लैशिंग डन, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑपरेशन फिनिश, ठीक है? तो इसको फ़ोन को रिमूव करो और ऑन करके दिखाओ कि अभी क्या डेट कंडीशन में ऑन है। तो अभी फर्स्ट लोगो आ गया है और सेकंड लोगो भी आ जाएगा, लेकिन ऑन होना मेन है। पहले भी ये सेकंड लोगो पे था, ठीक है? पहले भी क्या था ये? लेकिन सेकंड लोगो पे आने से डाउट ये भी है कि ऑन भी हो सकता है या फिर सेम कंडीशन में रह सकता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड लोगो आ चुका है, थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट्स वेट करते पूरा ऑन होने तक, देखेंगे ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये फोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, ठीक है? और इंडिया पे सिलेक्ट करो। तो ये नॉर्मल तरीके से ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ना? जरूरी नहीं था कि डायरेक्ट ईएमएमसी रिमूव करके ऑन कर ले। अगर ये फिर भी ऑन नहीं होता तब जाके हमें काम करना है नेक्स्ट पे, है ना? तो सबका भी काम ऐसे ही होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है पहला तो आपका फ्लैशिंग होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, स्किप। नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? देखते हैं एफआरपी लॉग अगर इसमें लगी है तो हम इसको रिमूव भी कर लेंगे। नेक्स्ट कर दियो। देखेंगे अभी एफआरपी पे लगेगा नहीं लगेगा, आगे तो इस वीडियो में दिखेगा। अगर एफआरपी लगेगा तो क्या आप निकाल नहीं सकते? लेकिन वैसे मुझे डाउट क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, तो एफआरपी यहाँ पे फ्लैशिंग में ही निकल चुका है, यहाँ आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? तो ये एफआरपी लॉक लगेगा नहीं, बिल्कुल सीधा ऑन हो जाएगा। ऐसा पकड़ो थोड़ा सा, हाँ स्ट्रेट। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी कोई भी फोन अगर मैं आपको दे दूँ फ्लैश करने के लिए तो आपको क्या डर है या कर सकते हैं? बिंदास कॉन्फिडेंस है उतना, मतलब आप फ्रेशर हो इस लाइन में, अभी अभी आए हो, बस आपको 4 दिन का जो क्लास देखने मिला उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फ्लैशिंग आप कोई भी फोन कर सकते हो, एफआरपी भी निकाल सकते हो? तो ये पॉसिबल कहाँ है भाई? फोन फिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ऑन होगा, उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा क्लास आगे चलेगा ईएमएमसी चेंज के अंदर, ठीक है? उसके अंदर भी एकदम इजी वे बताऊंगा, ऐसा अभी तक जो आपको इतना इजी समझ में आया ऐसे ही ईएमएमसी चेंज के अंदर भी आपको इजी लगेगा क्लास। अभी ये तो आपके माइंड में क्या होगा, कुछ थोड़ा सा हार्ड होगा सीखने में, पता नहीं, अभी तक तो इजी लगा, लेकिन आगे क्या पता नहीं है। आगे भी आपको ऐसे ही बताऊंगा जैसा आप एकदम नॉर्मल तरीके से प्रोग्रामिंग करोगे ईएमएमसी चेंज में, ठीक है? हर कोई करेगा इसमें। इंशाल्लाह।
फर्स्ट टाइम थोड़ा लोडिंग एप्स होता है, टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार इनके लिए एक बार क्लास।